जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी वी ऑनलाइन एच डी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे जितने भी रेलवे के ओल्ड ऑफिशियल पेपर हैं वो सारे ऑफिशियल पेपर सॉल्व करवा जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी की आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से साथ में हमारे सिरे से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो पिछले कुछ वर्षों में जो रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम दोस्तों NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय पे प्रेजेंट टाइम में हमारे इस चैनल पे जो 2018 में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हमने आज 7 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है। और दोस्तों, इस पेपर में जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही ईजिली हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों को बता दूँ कि यदि कोई भी आपका मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये दोस्तों, आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और दोस्तों, आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इन सभी क्यूरियों का सोल्यूशन दोस्तों आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जुड़ करके आप अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पे हमारे भारत देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना वायरस से रिलेटेड जो प्रॉब्लमें चल रही हैं आप लोग देखते ही होंगे, सुनते होंगे। तो इससे दोस्तों आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें और जो भारत सरकार का जो नियम है और उसको भी फॉलो करिएगा और अपने घर पर रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, पहचाने कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न में दिया गया है P प्लस Q का होल स्क्वायर का मान का पता लगाएं। तो दोस्तों, कथन पे दिया गया है कि P माइनस Q का मान 12 दिया गया है और पी क्यू का मान दोस्तों 4 दिया गया है। तो दोस्तों, हमको इसका मान निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पर दिया गया है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर नहीं था, हमको ये ज्ञात करना है। तो कथन में कहा गया है कि क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं। तो धारणा में कहा गया है आजकल लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो यहाँ पे नहीं बताई गई है कि आजकल लोग केवल क्रिकेट ही खेलते हैं, दूसरा कोई खेल नहीं खेलते हैं, ऐसी बात तो वहाँ पे क्लियर नहीं बताई गई है। तो इसलिए दोस्तों हमारी धारणा जो फर्स्ट है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। अब अगर दोस्तों सेकेंड धारणा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लिखा है कोई भी शतरंज नहीं खेल रहा है। तो यानी कि शतरंज क्या है, कोई नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्रिकेट की बात कही गई है, शतरंज की बात कही नहीं गई है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे सेकंड धारणा भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड धारणा अंतर निहित है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों फर्स्ट पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पे दिया गया है कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है या बेमेल है, हमको ये ज्ञात करना है। दोस्तों, सुअर हमारा एक जानवर है, चील एक पक्षी है, मधुमक्खी भी हमारा एक प्रकार से दोस्तों यानी कि वो भी पक्षी ही है, कह सकते हैं हमारा जानवर ही है एक प्रकार का, लेकिन घोंसला शब्द दोस्तों अलग बात हो गई। इसलिए दोस्तों हमारा घोंसला यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए हमारा घोंसला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों थर्ड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पर दिया गया है यदि फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड से फोर्थ में अक्षर इसी तरह से शब्द, ये लिखा है दोस्तों, इनकम प्रेहेंसेबिलिटीज़ में आपस में बदल रहे हैं, तो तब बाईं ओर से 15th अक्षर से 16th अक्षर के बाईं ओर कौन सा होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये शब्द लिखा है इसको हमको फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से बदल दिया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों सेकंड में हमारा एन है तो हमने एन लिख दिया, फिर दोस्तों हमने आई लिख दिया, फिर दोस्तों सी ओ में हमने पहले ओ लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर दोस्तों इन दो में लेंगे तो पी और एम लिखेंगे, पी और फिर हमने एम लिख दिया, फी एम लिख दिया, फिर दोस्तों हमने ई और आर लिख दिया, ई और फिर दोस्तों आर लिख दिया, ई और आर, फिर ई और एच लिख दिया, फिर हमने दोस्तों ई
और एच लिख दिया, ई और एच। फिर हमने दोस्तों एस और एन लिख दिया, एस और एन लिख दिया। फिर दोस्तों हमने बी और आई लिख दिया, बी और फिर आई लिख दिया, बी और आई लिख दिया। फिर दोस्तों हमने एल और आई लिख दिया, एल और आई लिख दिया। एल आई के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया टी और आई लिख दिया, टी और फिर यहाँ पे हमने आई लिख दिया, टी और आई लिख दिया। फिर दोस्तों हमने ई और आई लिख दिया, ई और आई लिख दिया। बाद में दोस्तों एस बचा, हमने एस लिख दिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि बाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर। अब दोस्तों बायां यहाँ भी कहा गया है, बायां यहाँ भी कहा गया है। जब दोनों दो बार बायां बायां ही बता दिया जाता है दोस्तों, तो इनको आपस में हम घटा देते हैं। तो जब 15 से दोस्तों हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। 9 हमारा क्या आ जाएगा, बायां ही आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा बाईं ओर से 9वां अक्षर ज्ञात कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वां अक्षर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। तो ई हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4th के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पर दिया गया है लुप्त संख्याएँ बताइए। अब दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो 122 मिल गया, इन दोनों को ऐड किया गया तो 127 मिल गया दोस्तों। और अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे कितना ऐड कर दें कि हमारा यहाँ पे 105 हो जाए, तो दोस्तों 105 से अगर हम 66 घटा देंगे तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का 39 आपसे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पर दिया गया उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है या पहले पद से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया आयरन, आयरन को हेमेटाइट बोला जाता है, इसी प्रकार एल्युमिनियम को दोस्तों हम बॉक्साइट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 1st के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन पे दिया गया है हमारा कि लीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है, कुछ समय बाद वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती है और फिर 45 डिग्री बाईं ओर मुड़कर एक बाईलेन में प्रवेश करती है, अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, हमको ये ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कहा गया लीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है। तो अगर अब यहाँ पे दोस्तों करें कि एक दिशा का चार्ट बना लें, यह हमारा पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि लीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है, उत्तर यानी कि इधर जाएगी उत्तर की ओर, कुछ समय बाद वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। 90 डिग्री बायां ओर, बाईं ओर दोस्तों हमारा इधर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारा बायां किधर हो जाएगा, बायां हमारा इधर आ जाएगा। 90 डिग्री मुड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 90 डिग्री आ जाएंगे, पश्चिम की ओर आ गए। अब जब पश्चिम की ओर आ गए तो फिर कहा गया फिर 45 डिग्री वो बाईं ओर जाती है, अब 45 डिग्री यहाँ से बाईं ओर और आएंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे हम 45 डिग्री यहाँ पे आ गए। और ये दिशा दोस्तों हम जानते हैं क्या होती है, ये दक्षिण पश्चिम होती है। तो हमारा दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1st के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पर दिया गया है हमारा उस उत्तर का आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति के दर्पण छवि के बिल्कुल समान प्रतीत होती है, हमको ये ज्ञात करना। तो यहाँ पे जो दिया गया है कुल मिला के दोस्तों प्रश्नाकृत में ये जो दिया गया है उसी प्रकार हमारा उत्तर आकृत में दिया गया, तो हमको ये देखना है दोस्तों कि ऐसी प्रश्न आकृति हमारे इनमें से कौन सी उससे मैच करती है। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर 1st के साथ मैच कर रही है, ये जैसी हमारे उसमें प्रश्नाकृत दी गई है ए पे मैच कर रही है दोस्तों। अगर देखें बी पे देखें तो दोस्तों ये जीरो हमारा ये जो गोली बनी है दोस्तों इस ट्रायंगल पे तो इधर साइड बन गई है, ये छोड़ करके बनी है इधर बनी है, तो दोस्तों ये सब रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1st के 1st A के साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1st A हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कहा गया है नीचे दिए गए कथन को पढ़कर यह निर्णय करें कि उनमें से कौन सा यह निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है, हमको ये ज्ञात करना है। तो एक क्रिकेट मैच में कुल स्कोर का 90% तेज गेंदबाजों द्वारा स्कोर किया गया था। तो निष्कर्ष में कहा गया टीम में 90% तेज गेंदबाज हैं, और फिर कहा गया है 90% तेज गेंदबाज, कहा गया क्रिकेट मैच में कुल स्कोर 90% तेज गेंदबाज बताया गया है, 90% जो वो बनाए गए हैं मतलब रन वो स्कोर गेंद मतलब तेज गेंदबाजों द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया टीम में 90% तेज गेंदबाज हैं, 90% तेज गेंदबाज हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितने परसेंट तेज गेंदबाज हैं, यहाँ पे तो
बताया गया कि 90% स्कोर तेज गेंदबाजों ने बनाया। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट निष्कर्ष इसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब कथन को। अब हम अगर दोस्तों देखें सेकंड निष्कर्ष में देखें तो प्रारंभिक बैट्समैन तेज गेंदबाज थे, ऐसी भी बात नहीं बताई गई कि जो प्रारंभिक बैट्समैन से तो तेज गेंदबाज रहे होंगे, तो ये भी बात हमारे इस कथन को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए कुल मिलाकर दोस्तों ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड इस हमारे कथन को अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऐसा हमारा थर्ड पे मौजूद है, इसलिए हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देखें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह चुने कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करता है। फिर दोस्तों वही क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे अगर देखें तो कहा गया है कि होमोजेनलाइज्ड दूध के पैकिंग में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए, इसके बजाय इसे कांच की बोतलों में पैक किया जाना चाहिए। तो अब अगर देखते हैं निष्कर्ष हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया है, ग्लास की बोतलें प्लास्टिक के कवर का उपयोग करने के बजाय पैक किए गए दूध देने के लिए विकल्पों में से एक हैं। तो ये भी बात दोस्तों बिल्कुल हमारे इस यानी कि कथन को फॉलो कर रही है, यानी कि राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा निष्कर्ष फर्स्ट। अब दोस्तों जो कहा गया कि होमोजेनलाइज्ड दूध प्लास्टिक कवर में पैक किया जाता है, ये भी बात दोस्तों सही है, प्लास्टिक उपयोग में प्रतिबंधित होना चाहिए, पैक किया जाता है यानी कि तभी तो उसने कहा कि प्रतिबंधित होना चाहिए, यानी पैक होता है दोस्तों। ये बात जैसा हमारे कथन में कही गई वो कथन को हमारा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे दोनों निष्कर्ष कथन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन हमारा थर्ड पे मौजूद है, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अब अगर दोस्तों देखें हम सेकेंड ऑप्शन वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि सभी भेड़ों की चार टांगें होती हैं। अब जितने भी भेड़े हैं यानी कि ये जो भेड़ हैं इनकी सभी भेड़ों की चार टांग होती हैं, यहां पे टांग आ गई दोस्तों चार। फिर कहा गया कि सभी भेड़ों की चार टांग होती हैं, सभी चार टांगों वाले पशु होते हैं, जितने भी चार टांगों वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो सबका पशु हो जाएंगे, तो ये सब पशु हो गए। अब अगर निष्कर्ष देखें तो कहा गया सभी पशु चार टांगे वाले होते हैं, कहा गया जितने भी पशु हैं वो सबका सब चार टांगे वाले होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, पशु का कुछ हिस्सा चार टांगों वाला है, तो ये तो गलत कह दिया गया दोस्तों, तो इसलिए हमारा जो निष्कर्ष फर्स्ट है ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो कहा गया सभी पशु चार टांगे, यानी कि पशु को यहाँ पे चार टांगों के अंदर होना चाहिए तब सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखें हम सेकंड निष्कर्ष में कहा गया सभी बकरियाँ पशु हैं, अब यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि सभी बकरियाँ जो हैं वो पशु हैं, जितनी भी बकरियाँ होंगी वो सबका सब केवल मतलब वो पशु होंगी। तो अब दोस्तों जो भी जानवर होंगे, जो भी हमारे जानवर होंगे वो सबका सब पशु हैं, तो ऐसी बात दोस्तों हमारी यहाँ पे बकरी शब्द तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी पशु होंगे वो सब चार टांगों वाले होंगे, और सभी बकरियाँ पशु हैं, अब जो भी बकरियाँ आएंगी वो सब पशु हो जाएंगी, तो ये भी हमारा दोस्तों कुल मिला के हमारे इस कथन पे मतलब फॉलो कर जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा ये यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों अगर, तो यहाँ पर कहा गया निम्नाकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखें त्रिभुजों की संख्या कितनी पूछी गई है, तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो त्रिभुजों की संख्या हमारे दोस्तों 28 आएगी। अब 28 अगर दोस्तों काउंट करें तो कैसे आती है, मैं आपको काउंट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 के बाद दोस्तों ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दोनों को मिला करके 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, दोनों को मिला करके 9 हो जाएगा। अब दोस्तों 9 के बाद इन दोनों को मिला लें तो ये हमारा 10 हो जाएगा, इन दोनों को मिला लें तो ये 11 हो जाएगा, 11 दोस्तों यहाँ पे हो गए, 11 के बाद दोस्तों देखें तो ये 12 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, दोनों को मिला करके 14 हो गया, ये दोस्तों 15 हो गया, ये 16 हो गया, दोनों को मिला करके 17 हो गया, ये 18 हो जाएगा, और ये हमारा 19 हो जाएगा, 19 के बाद दोस्तों हमारे 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये हमारा 22 हो जाएगा। अब 22 के बाद दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से, तो 22 के बाद दोस्तों हमारा ये इतना, हमारा ये इतना पूरा, ये 23 हो जाएगा, ये इतना पूरा 23 हो गया। 23 के बाद दोस्तों यही अगर नीचे हम पूरा आ जाएं तो ये 24 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 24 तो हमारे ये यहाँ से इतने काउंट हो गए, 24 के बाद दोस्तों अगर अब हम देखें तो ये 24 के बाद दोस्तों ये हमारा ये 25 हो जाएगा, ये इतना पूरा हमारा ये 25 हो जाएगा, ऐसे ही पूरा दोस्तों ये नीचे का हमारा
ये 26 हो जाएगा। 26 के बाद दोस्तों अब अगर हम इतने को काउंट कर लें, ये हमारा 27 हो जाएगा, ये इतना हमारा 27 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम इतने को काउंट कर दें, ये हमारा इतना, ये 28 हो जाएगा, ये इतना 28 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे हमारे कितने ट्रायंगल गिनने में आ रहे हैं, 28 ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया निम्न अंक में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमको वर्गों की संख्या काउंट करनी है। तो अगर देखें दोस्तों वर्ग हमारा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 के बाद दोस्तों ये पूरा हमारा 5 हो जाएगा, 5 के बाद दोस्तों हमारा ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये मिलाकर के 10 हो जाएगा जी। 10 के बाद दोस्तों ये यहां पे आ जाएगा हमारा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पे 14 हमारे वर्ग आएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहां पे कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और दिए गए तथ्यों को सही माने, भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न दिखाई पड़ते हों, उनके आगे दिए गए दो निष्कर्षों से यह निर्णय लें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता या करते हैं। हमको ये ज्ञात करना है। तो कथन में कहा गया है सभी जगुआर चीते हैं, जितने भी जगुआर होंगे दोस्तों वो सबका सब क्या हो जाएंगे, चीता हो जाएंगे। हमने चीता बना दिया सभी जगुआरों को। अब कहा गया सभी चीते तेंदुआ हैं, जितने भी चीता हैं वो सबका सब कहाँ है, क्या है दोस्तों, तेंदुए हैं, तेंदुए हैं। अब फिर कहा गया सभी तेंदुए पैंथर्स हैं, अब ये जितने भी तेंदुए हैं ये सबका सब जो हैं ये पैंथर्स हो जाएंगे, पैंथर्स हो जाएंगे। अब दोस्तों पैंथर्स बन गए। अब कहा गया कि कुछ पैंथर्स चीते हैं, पैंथर्स का कुछ हिस्सा चीता है, बिल्कुल सही कह रहा दोस्तों। फिर अगला है कुछ पैंथर्स जगुआर हैं, पैंथर्स का कुछ हिस्सा जगुआर है, ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पे दिया गया है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, यह ज्ञात करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन या आवश्यक या पर्याप्त है। तो मॉड ऑफ एक्स का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड हमारा अनुसरण करेगा, और दोस्तों यहाँ पे दो ही पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट हमारा अकेले पर्याप्त नहीं होगा। फर्स्ट वाला अगर दोस्तों हम निकालेंगे तो हमको कहीं ना कहीं सेकंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो केवल हमारा सेकंड जो दिया गया है ऑप्शन, इस सेकंड से ही हम केवल मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अगर फर्स्ट को देखें तो हमारा कहीं ना कहीं सेकंड की भी आवश्यकता होगी। इसलिए दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे दो अकेले पर्याप्त, जबकि फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पे दिया गया है उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहां पर कहा गया है एंथ्रोपोलॉजी को मैन बोला गया है, तो बॉटनी को क्या बोलेंगे, बॉटनी हमारा प्लांट से संबंधित है दोस्तों। तो यहां पे हमारा प्लांट से इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए चित्र की जलीय छवि का चयन करें, हमको जलीय छवि निकालना है दोस्तों। तो जलीय छवि अगर दोस्तों देखिए इसको जल में दिखाएंगे तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन की तरह। तो ये फर्स्ट ए यानी कि फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है फोर्थ का ए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे फोर्थ ए का हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पे दिया गया निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, हमको अगला पद निकालना है। तो एक्स वी और अगला आ जाएगा हमारा x का कोड दोस्तों देखिए 24 में हमने दो कम कर दिया तो 22 मिल गया, 22 में दो कम कर देंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे t मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा दोस्तों, t मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 23 में दोस्तों दो कम किया गया तो 21 आ गया, 21 में दो कम करेंगे दोस्तों 19 आ जाएगा, तो हमने 19 रख दिया। फिर W कोड दोस्तों 23 का होता है, U कोड 21 का होता है, S कोड हमारा 19 का हो जाएगा, T19S हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाई ओर फिर बाई ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों अगर डायग्राम बनाए हमारा या तो यहाँ पे कहा गया श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि इस दिशा की ओर सम्मुख है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पश्चिम दिशा को सम्मुख है, पहले वह दाई ओर, अब दोस्तों इसका दायां हमारा पहले वो दाई ओर, मतलब कि दोस्तों ये इधर मुड़ता है दाई ओर, फिर वो बाई ओर मुड़ जाता है, अब दोस्तों अगेन वो बाई ओर जब इधर मुड़ जाएगा तो फिर इधर ही आ जाएगा, तो किस दिशा की ओर सम्मुख है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर ही सम्मुख है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फोर्थ के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पे दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है इसके आंसर मैच न कर पाए, क्योंकि इसको रेलवे बोर्ड ने इग्नोर कर रखा है इस क्वेश्चन को। फिर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो यहां पे दोस्तों हमने 5 रख दिया और माइनस को हमको किसमें कन्वर्ट करना, माइनस का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया। और यहां पे 15 और मल्टीप्लाई को दोस्तों हमको कन्वर्ट करना है यहां पे भाग से, तो हमने भाग बना दिया। यहां पे हमने 5 लिख दिया और भाग को दोस्तों हमको बनाना है यहां पे, भाग का अर्थ माइनस, हमने यहां माइनस बना दिया 3। और प्लस का यहां पे दोस्तों हमने कर दिया। अब दोस्तों यहां पे जो हमारा दिया गया है, फिर अगेन ये प्लस है, तो प्लस को हम बना देंगे दोस्तों यहां पे, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बना दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 4 और माइनस का अर्थ हमारा प्लस, तो यहाँ पे प्लस बना दिया दोस्तों हमने कितना 1। अब अगर इसको सॉल्व करें तो दोस्तों 5 3 15 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का 12, प्लस का 1, तो 5 3 8 1 9, 9 से दोस्तों 3 हटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारा ऐसा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे 3 तो अवेलेबल है, बट यहाँ पे माइनस शब्द नहीं लगा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पे दिया गया है कि कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तार्किक रूप से पालन करने वाली सही निष्कर्ष की पहचान करें। कहा गया कथन में, रीटा को मीना ने कहा आज रात पार्टी के लिए कम से कम 10 प्रकार का भोजन पकाया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष में कहा गया है कि मीना एक शानदार पार्टी आयोजित करना चाहती है, तो ये बात दोस्तों सही है, तभी तो वो 10 प्रकार का भोजन पकाना चाहती है, यानी अगर अच्छी पार्टी देना चाहती होगी तभी वो आज रात पार्टी के लिए कम से कम 10 प्रकार का भोजन पकाना जरूरी समझा। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष फर्स्ट है हमारे कथन को फॉलो कर रहा, कथन हमारा निष्कर्ष फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखें हमारा यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष कहा गया, 10 से कम प्रकार का अगर भोजन रखा जाता है तो मेहमान पार्टी की सराहना नहीं करेंगे, तो ऐसा हमारा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि 10 प्रकार से कम का भोजन हम रखेंगे तो मेहमान सराहना नहीं करेंगे, तो ऐसी बात हमारी कथन में नहीं कही गई है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ये जो दिया गया है हमारा, यानी कि सेकंड निष्कर्ष हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कर जो दूसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे चिकन को, चिकन होता है दोस्तों मुर्गी, चूप होता है दोस्तों दरबा, मुर्गी का यानी दरबा, तो हेयर मीन्स दोस्तों होता है खरगोश, तो खरगोश फार्म, फार्म माने दोस्तों हम बता दें आपको, फार्म मीन्स होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं मतलब सीख देना या फिर शिक्षा देना या ढालना, उसी प्रकार बनाना या स्वरूप आप ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हेयर का दोस्तों राइट बन जाएगा हमारा फॉर्म, तो इस क्वेश्चन का हमारा फॉर्म के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पे दिया गया है, यदि एक्स जेड और एम का बेटा है और एक्स का विवाह एन वाई से हुआ है तो एन वाई जेड और एम से क्या संबंधित होगा। तो कहा गया जो एक्स है वो जेड और एम का बेटा है, बेटा है कौन, एक्स, तो ये हमने प्लस कर दिया। फिर कहा गया है और एक्स का विवाह एन वाई से हुआ है, एक्स का विवाह जो हुआ है वो एन वाई से हुआ है, एन वाई से, तो यानी कि यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, इनका एक पेयर बन गया दोस्तों। अब हम देखें अगर फिर कहा गया है कि एन वाई से हुआ था तो एन वाई जेड और एम की कौन है, एन वाई जो है जेड और एम की कौन है, वो बहु हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि ये बहु, यानी कि जेड और एम की ये एन वाई कौन है, बहु हो जाएंगे, तो बहु ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमारा दोस्तों सेकंड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन में कहा गया है कि सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं, जितने भी फूल हैं वो सबका सब क्या है, पंखुड़ी हैं, पंखुड़ी हैं। और फिर कहा गया है कि सभी पंखुड़ी डंठल हैं, जितनी भी पंखुड़ी हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, डंठल हैं, ये हो गया। अब निष्कर्ष में कहा गया है कुछ फूल डंठल नहीं हैं, फूल का कुछ हिस्सा, कह रहा जो फूल का कुछ हिस्सा डंठल नहीं है, यानी कि कुछ हैं या कुछ नहीं हैं, तो ये तो बात दोस्तों मतलब गलत कही गई है, सभी फूल डंठल हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो निष्कर्ष फर्स्ट है ये रॉन्ग हो जाएगा। अब कहा गया सभी डंठल पंखुड़ियाँ हैं, जितने भी डंठल हैं वो सबका सब कहा गया है कि पंखुड़ी हैं,
तो डंठल को पंखुड़ी के अंदर जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन पर दिया गया है आपको एक प्रश्न और तीन कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक या पर्याप्त हैं पहचाने। तो प्रश्न में कहा गया है पूर्णिमा वर्णिका से छोटी और रोहिणी प्रिया से बड़ी, उनमें से कौन सबसे बड़ी है। तो दोस्तों ऐसा इसको हम ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि पूर्णिमा जो है ये पी से हो गई पूर्णिमा और वी से हो गई वर्णिका, पूर्णिमा जो है वर्णिका से छोटी है, पूर्णिमा जो है वर्णिका से हमने छोटी कर दिया, और रुविनी प्रिया से बड़ी है, रुविनी जो है वो प्रिया से बड़ी है, रुविनी जो है वो प्रिया से बड़ी है, प्रिया से हमने बड़ी कर दिया, ये लीजिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे कहा गया उनमें से कौन सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे वर्णिका रुबिनी से बड़ी है, केवल यहाँ पे दोस्तों अगर हम कथन देखें तो कथन में फर्स्ट में कहा गया है रुबिनी पूर्णिमा से बड़ी है, ये जो रुबिनी है ये पूर्णिमा से बड़ी है, बात सही है दोस्तों। फिर कहा गया वर्णिका रुबिनी से बड़ी है, वर्णिका रुबिनी से बड़ी है, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं दोनों में बात आएगी कि कौन बड़ा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा पूछा गया है, तो इस बात में हमको क्लियर हो रहा है कि वर्णिका रुबिनी से बड़ी है, वर्णिका जो है रुबिनी से बड़ी है, तो केवल हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, सेकंड यानी कि अकेले सेकंड पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित चित्र है तो दर्पण छवि का चयन करें। दोस्तों अगर इस डायग्राम को हम दर्पण छवि में दिखाएंगे तो ये हमारा बी जैसे बिल्कुल आकृति बनेगी, इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सेकंड में दिया गया है, इसलिए दोस्तों सेकंड का बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों को बता दूं कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।